हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी लड्डू की रेसिपी। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू, जिसके लिए आपको सिर्फ तीन ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें घी डालेंगे और उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। आपको जितना बेसन चाहिए आप उतना घी ले सकते हैं। अभी मैंने अंदाजे से घी लिया है, बट अगर आप नापना चाहते हैं किसी कटोरे से तो आप जितना बेसन ले रहे हैं उतना घी ले सकते हैं। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और अब इसमें हम अपना बेसन ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये मैंने एक कटोरी बेसन लिया है और इतना ही मैंने घी लिया है। एक कटोरी बेसन के लिए आपको एक कटोरी घी और एक ही कटोरी बूरा लेना है। इसमें आप पाउडर शुगर का यूज़ नहीं करेंगे, आप ये थोड़ा मोटी चीनी, मोटा दरदरा होता है ये बूरा, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें अपना बेसन डालेंगे घी में और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आपको इसको अच्छे से चलाते हुए घी के साथ मिक्स करना है। आपको ये पूरा प्रोसेस स्लो टू मीडियम गैस पे ही करना है। अगर आप गैस को तेज कर लेंगे तो आपका बेसन जम जाएगा और फिर आपके लड्डू उतने अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए आपको गैस को मीडियम टू स्लो ही रखना है और इसको कंटिन्यूस चलाते हुए गूंद लेना है। आप इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आपको इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है और इसको मिलाते हुए भून लेना है। गैस का फ्लेम का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। गैस आपको स्लो या मीडियम ही रखना है, नहीं तो आपका बेसन जल जाएगा पूरा और आपके पूरा लड्डू खराब हो जाएगा। बेसन के लड्डू बनाने के लिए आपको थोड़ा मोटा बेसन ही लेना चाहिए, उससे आपके बेसन के लड्डू जो है थोड़े दानेदार बनेंगे। जो एक बेसन के लड्डू का अपना टेक्सचर होता है वो उसमें आ जाएगा। और अगर आप ऐसे लड्डू बना के अपने घर में अपने बच्चों को खिलाएंगे तो उनको वो लड्डू बहुत ही पसंद आएंगे। जब तक मेरा बेसन थोड़ा हो रहा है यहाँ पे भून रहा है, मैं थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स हैं, आज मैं सिर्फ बादाम और काजू यूज़ कर रही हूँ, मैं इनको थोड़ा क्रश कर लूँगी। और आपको बेसन को छोड़ना नहीं है, उसको भी कंटिन्यूस चलाते जाना है।
क्योंकि अगर आप बेसन कुछ ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो नीचे से जल जाएगा। बेसन के लड्डू बनाने के लिए बस यही एक टिप है कि आप बेसन को छोड़ नहीं सकते, थोड़ा टाइम लगता है, बट ये लड्डू आप घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आप इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं, ये भुन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लग सकता है। मीन वाइल आप अपने नट्स को भी क्रश कर लीजिए। आपको इनका बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, पाउडर नहीं बनाना है इनका फाइन, बस थोड़ा क्रश कर लेना। और अपने बेसन का भी ध्यान रखना, जैसे जैसे आपका बेसन भूनता जाएगा ये हल्का हो जाएगा और ऐसे कढ़ाई में ऊपर हाथ की ओर आने लगेगा। अभी आपको ये थोड़ा पतला लग रहा होगा, जब ये भून जाएगा और ठंडा हो जाएगा तो इसके बहुत अच्छे लड्डू बनेंगे। और ये देखिए अब हमारा बेसन भुनने लगा है, आप इसको बिल्कुल चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे ऐसे चिपक जाएगा और जल जाएगा। और अगर बेसन जल गया तो फिर आपके लड्डू बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। और ये है काजू और बादाम, मैंने इनको थोड़ा दरदरा फूट लिया है, आपको ऐसे ही करना है, फूटना है इसको। मैं अपने गैस के फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ है, तो हम इसको चलाते जाएंगे। ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये ऐसे हल्का हो जाएगा। आपको गैस को स्लो ही रखना है। हम अपने काजू और बादाम भी इसमें डाल देंगे, ये इसके साथ थोड़ा भुन जाएंगे। बस और 5 मिनट में हमारा बेसन भून के बिल्कुल तैयार हो जाए। आप ये देख ही सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और ये कैसे फूल रहा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और तो थोड़ी देर इसको ऐसे ही चलाएंगे क्योंकि अभी इसमें हीट है, तो ये पैन की हीट में ही थोड़ा और पक जाएगा। अभी आपको ये थोड़ा रनिंग लग रहा होगा, पतला लग रहा होगा, बट जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा जब ये, तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। आपको इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, बस उतना ठंडा करना है कि आप इसको हैंडल कर पाएँ और इसके लड्डू बना पाएँ।
ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया अभी। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये थोड़ा सा अपनी शेप पकड़ लेगा। अभी ये थोड़ा पतला था, अभी देखो ये थोड़ा सा अपनी शेप पकड़ रहा है। जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा वैसे वैसे ये अपनी शेप पकड़ लेगा। आपको इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, बस उतना ठंडा करना है कि आप इसको हैंडल कर पाए। जैसे अभी ये बहुत गर्म है, अभी इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब हमने इसको एक परात में ट्रांसफ़र कर लिया है जिससे ये ठंडा हो जाए अच्छे से। परात में मिक्स करना आपको आसान रहेगा। मैंने एक कटोरी बेसन लिया है इसलिए मैं एक कटोरी बूरा इसमें मिला रही हूँ। आपको बूरे और बेसन को एक साथ अच्छे से मिला लेना है। जो बूरा है वो वाइट वाइट इसमें नहीं दिखना चाहिए, इसको बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चेक कर लेंगे, अगर आपको इसमें कोई गूढ़ी दिखाई दे रही है, कोई गांठ है बूरे में, तो आप उसको निकाल के अलग कर सकते हैं। फिर इसको थोड़ा अच्छे से मिलाते जाएं ताकि आपका बूरे के वाइट पार्टिकल जो है वो बिल्कुल ना दिखाई दे। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और जो भी कोई गांठे हैं वो मैं फिक्स करते जा रही हूँ। अभी मुझे ये थोड़ा गीला लग रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा बूरा और डालूंगी। अगर आपको थोड़ा गीला लगे तो आप थोड़ा बूरा ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको टेस्ट भी करके देख सकते हैं। मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मुझे ये परफेक्ट लग रहा है लड्डू बनाने के लिए। मैं इसके लड्डू बना के देख लूँगी और ये परफेक्ट है बिल्कुल, इसके लड्डू बहुत अच्छे से बन रहे हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक लड्डू बना के, बिल्कुल गोल अच्छे दानेदार लड्डू एकदम बन के तैयार हो रहे हैं। इससे आप लड्डू को अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा बना सकते हैं। मैं थोड़ा मीडियम साइज के लड्डू बना रही हूँ। बस आपको थोड़ा थोड़ा मिश्रण अपने हाथ में लेना है और उसको गोल करते जाना है और आपके लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। अब ऐसे ही हम अपने सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैं अपने सारे लड्डू ऐसे बनाते जा रही हूँ। आप इन लड्डू को 15-20 दिन तक आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते और आपकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आएंगे। ये लड्डू बच्चे बड़े आपकी फैमिली में सभी बहुत पसंद करेंगे। इसमें घी और बेसन है इसलिए ये हेल्दी भी हैं, आप अपने बच्चों को आराम से खिला सकते हैं। जैसे मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ तो मैं ये लड्डू अपने ही लिए बना रही हूँ, क्योंकि इसमें घी है बेसन है तो वो मुझे फ़ायदा भी देंगे। आप प्रेगनेंसी में बेसन के लड्डू आराम से खा सकते हैं। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तब आप इनको खा सकते हैं। बस ऐसे ही मैं अपने सारे लड्डू बना के तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे थोड़ा पसंद नहीं है। ये लीजिए हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए। अब आप इनको एक बॉक्स में रख सकते हैं आराम से और फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और आराम से 10-15-20 दिन तक आप इनको खा सकते हैं। 10-15 दिन चलेंगे नहीं ये लड्डू वैसे, क्योंकि आपकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आने वाले हैं और झटपट ख़त्म हो जाएंगे।
ये देखिए हमारे स्वादिष्ट लड्डू बनके तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।